तो ये आप ही ना मंगवाइएगा, जब पूरा कट जाएगा तब फिर क्या फायदा होगा? स्कीम बनाते बनाते पूरा दुनिया चली जाएगी। जी अभी जो जरूरत है उसको तुरंत काम शुरू करवा दीजिए, यह स्थिति है। ये मंदिर था, ये जो वृक्ष कटा है 150 वर्ष पहले ये मंदिर था, ये कट गया, गुजरिया बाबा का थान था। उधर नहीं जाए, इधर ये है, इधर बेटा हमरा तो देख लिए टीवी पर, कोई बोले नहीं, टीवी पर देख लिए गांव कटे हमें तो खबर कर लिए त्यागी जी के, हम अपन नेता के अध्यक्ष के परमानंद बाबू के कि हमरा वहां जाना है, काल से तक काम लागते कोनो भी कीमत पर, भरोसा रखू आप बोल के चल नहीं जा बाबू यादव बोल के जाए छ सुनला है पप्पू यादव हमें तोहर एमएलए एमपी नहीं ने छिया, हमें पप्पू यादव छिए, हम तोहर एमएलए एमपी नहीं छिया, को बोले थे जब जब तोरा ला चोरो बढ़िया घटुको बढ़िया तो हमें की करिए, जब अपने लिए अपने व्यवस्था करबे तो हमरा लिए सब बढ़िया छै, ई जे नीक लोग छ एकरा वोट देबे नहीं करबो त्यागी जी के, हां वोट दबो पैसा ला के दूसरा पास में लियो रहने कह आदमी, नेताओं के चलते अभिशाप बन गए हैं, ये कोई ये मानवीय आपदा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवीय आपदा है जी, ये इसको आप समझ लीजिए बहुत क्लियर। ये नेताओं की मानसिकता इतनी हीन हो चुकी है, कॉमन आदमी या आम लोगों के जिंदगी से उसकी जरूरत से कोई मतलब नहीं है। अब ये 50-60 लगभग 100 एकड़ जमीन कट गया ये 20 दिनों के अंदर, अब मात्र 100 मीटर पर ये गाइड बांध है, उसके बाद गांव है, और अभी तक कोई कोहबर घर में सोया हुआ है और कोई गोरथारी में सोया हुआ है, यहाँ का कोई एमपी एमएलए मंत्री संतरी को कोई मतलब नहीं है, चाहे जिंदगी भाड़ में जाए चाहे कोई मर जाए हर जाए। नदी तो हमारे लिए तीन हिस्सा, हम बाढ़ के चपेट में है, आज नदी ऊपर हो गया गांव नीचे जाए हो चुकी है, घाट इतना जमते जमते हम पैसे खाते चले गए, पूरा का पूरा जो सिंचाई विभाग है इसको इसका नाम रखा गया है लूट विभाग, पूरा माफिया इस पे जमा हुआ, अरबपति खरबपति हैं, इससे बड़ी बड़ी सत्ता चलती है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आई, बार बार कहा जाता है सिंचाई मंत्री जी के द्वारा कि हम बाढ़ से मुक्ति देंगे कुशेश्वर स्थान, हम चैलेंज करते हैं अगले साल तक भी आप मुक्ति दे दिए तो हम पैर धो के पिएंगे, हम सिंचाई मंत्री जी आपका, आप हम कुशेश्वर स्थान की बात करते हैं, कुशेश्वर स्थान जहां कल मुख्यमंत्री जी गए थे, जहां ये 3 बार ले गए, नीचे करो माइक। अब ये इलाका बेलदौर प्रखंड का ये तेलीहर, और यही नहीं कटाव हो रहा है, और भी कई जगह कटाव लगी हुई है, खगड़िया कोई माँ बाप नहीं है, ये 150 साल का ये कोई बाबा का स्थान गुदरिया बाबा, ये कट गया, लोगों की पूरी फसल आलू खेती खत्म हो गई, अग्रहण तो स्थिति अभी चीफ इंजीनियर से बातचीत हुई है, उन्होंने आज से कल तक हमें कहा है कि मैं यहाँ पर तत्काल टेम्प्रोरी कुछ शुरू कर देता हूं ताकि ये बचे, और उसके बाद अविलंब बना करके हम इसको पूरी प्रमाणित करने की काम करेंगे। इसको लाइव कर दो तो जी दीपक जी, वार्ड नंबर 8
लेकिन हम वीडियो कर रहे हैं, आप इसको उठाइए, आप वीडियो दूसरे नंबर से। हेलो।